श्रीमद्भागवत ग्रंथ के अधिष्ठात्र भगवान श्री द्वारिकानाथ, कथा के आशीर्वाददाता श्री हनुमान जी महाराज के पावन श्री चरणारविंदों में कोटिशः दंडवत प्रणाम करते हुए उपस्थित आप सभी वैष्णव भक्त महानुभावों का आत्मीयता से स्वागत है। आप सभी को बारंबार जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम हमारे माननीय प्रदेश के मुखिया श्रीमान गहलोत साहब जी का भी आत्मीयता से अभिनंदन है। समय के अभाव में हम आपका स्वागत नहीं कर पाए, इसके लिए आप हमें क्षमा करें। आप हमारे आदरणीय बुजुर्ग हैं और भी आपके साथ आए हुए राज अतिथि जिनका हम समय के अभाव में नाम तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन आपकी सेवा से भगवान आपका नाम अमर कर देगा। सर्वप्रथम तो हम ये कहें, आपके दो कार्यों के लिए बहुत बहुत साधुवाद दे रही है व्यास गादी। पहला तो पुनीत कार्य आपने यह किया कि राजस्थान की धरा के ऊपर आपने गौ सेवा के निमित्त गोपालन विभाग बनाया, और दूसरे में इस विभाग को संभालने की जिम्मेदारी आपने एक मजबूत हाथ में दी है। देखिए, आज मंगलवार का दिन है और आप सब हनुमान जी महाराज के इस आंगन में विराजित हैं। हनुमान चालीसा में एक चौपाई हम गाते हैं, आज उसी का विवेचन आपकी सेवा में कर रहे हैं। और देवता चित्तन धरई हनुमत सैह सर्व सुख करई। यहां कई लोगों को भ्रांति है, क्या दूसरे देवी देवताओं को नहीं माने, नहीं पूजें क्या, शीश नहीं झुकाएं क्या? हनुमान चालीसा का पाठ लगभग लगभग सभी सनातनी भाई बहन करते हैं, पर यहां संशय है, और देवता चित्तन धरे, आखिर ये क्यों लिखा है? देखो, आज का एक उदाहरण ले लो आप, तो एक जिले के अंदर मंत्री महोदय पधारे और मुख्यमंत्री महोदय पधारे, इन दोनों के पधारने में क्या अंतर है? सीधी सी बात है, जिले में जिस विभाग के मंत्री महोदय आते हैं उसी विभाग के अधिकारी मौजूद होते हैं। राजस्व तो राजस्व के अधिकारी मौजूद रहेंगे, लेकिन यदि श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय पधारते हैं तो सारे विभाग के अधिकारी उस जिले में उस आयोजन में मौजूद रहते हैं। ठीक वैसे के वैसे इस कलिकाल के राजा श्री हनुमान जी महाराज हैं, और जो हनुमान जी महाराज की साधना करता है, जो हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में शीश झुका करके राम नाम भजन करता है, उसको स्वतः सारे गुण प्राप्त हो जाते हैं। सारे गुण अपने आप विद्यमान हो जाएंगे, जैसे जिले के सारे अधिकारी अपने आप आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधारे हैं, तो सबको ही आना पड़ेगा, चाहे कोई भी विभाग हो, सबको आना पड़ेगा। ऐसे कैसे कलिकाल के राजा श्री हनुमान जी महाराज है, तो हनुमान जी महाराज ज्ञान गुण सागर है, सारा ज्ञान और सारा गुण वो अपने भक्त को दे देते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ये हनुमान जी की महिमा है। हम निवेदन करें राजसत्ता से, आपके पास समय तो बहुत कम है, लेकिन व्यास वचन को सदैव याद रखना, जब जब भी आप अपनी गादी पर बैठने के लिए निकलो तो एक बार हनुमान जी का स्मरण जरूर कर लिया करो, क्योंकि आपसे भी बड़ा राजा वो है। और उन्हीं की कृपा से
आपका कार्यकाल सदैव सफल रहेगा। आपको ऊर्जा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी और राम भक्ति भी मिलेगी।